नून लीग के गढ़ में जियालों का दमादम मस्त कलंदर। लूट शेडिंग के खिलाफ लाहौर के नासिर बाग में पिंडाल सज गया। शहर शहर से काफिले पहुंचना शुरू। कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े। वज़ीर आला पंजाब के एक्शन पर जियालों का रिएक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिंडाल में हाथ वाले पंखे पहुंचा दिए गए। शहबाज शरीफ का नाम बदलने के लिए बॉक्स भी रख दिया गया। जियालों की तवाजों के लिए खाबों का भी इंतजाम किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल के मकीन सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे। खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट और निजाम चलना चाहिए, नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उलमाए मुशायख विंग के लाहौर के सदर इलामा यूसुफ के कजन के इंतकाल पर ताजिया। इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ केस। अमेरिका से चंदा इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ को दिया जाता है। अकरम शेख के दलाइल, गैर कानूनी जराये से फंडिंग के सबूत देना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हनीफ अब्बासी का इमरान खान की मजीद 3 ऑफशोर कंपनियां बेनकाब करने का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कप्तान की जाब्ता इखलाक के खिलाफ दरख्वास्त समाप्त के लिए मंजूर। अगर हम ये स्टैंड ले गए, हम कामयाब हो गए, तो हमारी मुल्क की तकदीर बदल सकती है। सबको मैं दावत देता हूं इतवार को जिना स्टेडियम में शाम को 5 बजे। वक्त आ गया कौम करप्ट वजीर आजम के खिलाफ स्टैंड ले, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। कप्तान का वीडियो पैगाम। 7 मई को सियालकोट में जलसे का ऐलान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जापानी वज़ीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा तालुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जापानियों को सरमायाकारी की पेशकश। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की दबे अल्फाज में सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं जब तक विफाक और बिजनेस कम्युनिटी चाहेंगे रेंजर्स रहेगी। फैसलाबाद में ट्रैफिक हादसा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल सोलह हयात और ड्राइवर जख्मी, एलआईड अस्पताल में जेर इलाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जर्मन नुमाइंदा की मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जर्मन नुमाइंदा ने अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में खवातीन को छेड़ने से मना करने पर ओबाश नौजवान आपे से बाहर हो गए। गरीब शहरी पर वहशियाना तशद्दुद। 24 न्यूज की खबर पर डीपीओ का एक्शन, मुजरिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में शेरून भट्टी कत्ल की तहकीकात मुकम्मल। मुलजिमा नाइला को गुनहगार ठहरा दिया गया। जाली निकाहनामे के बाद मुलजिमा के 2 पासपोर्ट्स का भी इंकशाफ।